स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी छात्र गणों का। मैं आज के हिंदी लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में स्टार्ट करेंगे हिंद देश के निवासी। हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में 5 नंबर का जो काव्य है, जो कविता है हिंद देश के निवासी, आज हम इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसका गान भी बाद में करेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें पेज नंबर 29 नंबर का जो पेज है वो ओपन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हिंद देश के निवासी। हिंद मतलब हमारा जो भारत देश है उसे हम कहते हैं, हिंद भी कहते हैं। तो हिंद देश के जो निवासी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता में एकता के बारे में हम हमारे जो एसएस के पीरियड आते हैं उसमें भी कई बार उसके बारे में बातें कर चुके हैं कि विविधता में एकता मतलब क्या है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर। तो हमारा देश है पूरा विविधताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन फिर भी सब लोग विविध होकर भी एक बनकर हमारे देश में सब भारतीय बनकर ही रहते हैं। तो हमारा देश है वो विविधता में एकता के लिए उदाहरण रूप है और ये हमारे देश की मुख्य विशेषता भी है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। भिन्न भिन्न है बोली हमारी, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न है जाति धर्म, पर एक ही अभिलाषा है। हम सब बोली भी अलग अलग बोलते हैं, हमारी भिन्न भिन्न भाषाएं, भाषा भी हमारी अलग अलग हो सकती है, हमारी जाति भी अलग हो सकती है, हमारा धर्म भी अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अलग होकर भी एक है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है और इस काव्य में भी हमें हमारी जो विभिन्नता है उसका दृष्टांत हमें दिया गया है, मतलब उसका एग्जाम्पल हमें दिया गया है। उनके द्वारा हमें बताने का प्रयत्न किया है कि कैसे विविधता है फिर भी एक सूत्रता हमारे देश में कैसे है। तो काव्य की शुरुआत करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के सभी निवासी एक है, अपना भारत देश ना दरेक लोको छे एक छे, पछी भले तेनो रंग रूप वेश भाषा तेनो भले अलग होय, परंतु ते छे तो मतलब भारतीय ज, ते बधा एक ज छे। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। गुलाब होय, जूही होय, चंपो, चमेली, कोई पण फूल होय, बधा अलग अलग टाइप ना फूल छे, परंतु ज्यारे तेनी एक माला बनावामां आवे त्यारे ते बधा ज फूलो छे एक बनी अने सुंदर माला ने शोभावे छे। कोयल की कूक न्यारी, पपीहा की टेर प्यारी। कोयल नो अवाज अलग छे, पपीहा नो, पपीहा एटले एक जात नो पक्षी नो नाम छे, एनो अवाज पण अलग छे। दरेक पक्षी ने पोतपोताना अलग अवाजो छे, छता पण गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। अने बुलबुल छे ए पण एनी रीते छे, तरानो एटले एक गीत छे, गीत ने तराना कही सकी आपणे, ए गाय छे, पण राग तो बधानो एक ज छे। भले बधानो अवाज अलग छे, परंतु राग बधानो एक ज छे। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, आ बधी जे नदीओ छे आपणा દેશની મુખ્ય નદીઓ છે, એ બધી અલગ અલગ પોતાના રસ્તાઓ ઉપર વહી રહી છે, પરંતુ અંતે તે સાગરમાં જઈને મળી જાય છે અને બધું જ એક થઈ જાય છે। ધર્મ હે અનેક જિનકા સાર વહી હે, પંથ હે નિરાલે સબકી મંજિલ તો એક હે। આપણા બધા જ ના ધર્મો અલગ અલગ હોઈ શકે, પારસી ધર્મ, ખ્રિસ્તી ધર્મ, જૈન ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, તો ધર્મ બધાના અનેક છે, પરંતુ બધાનો ધર્મનો સાર તો એક જ છે, ભગવાન તો એક જ છે। આપણે એના નામ અલગ અલગ રાખ્યા છે અને એના જે રસ્તાઓ છે, આપણે ભગવાનને ભક્તિ શું કામ કરીએ છીએ, આપણે ધર્મને શું કામ અપનાવીએ છીએ, તો કે ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે।
तो अपना बधाना रस्ता अलग छे धर्मना आधारे के दरेक धर्मने पोतपोतानी रीत अलग होय छे परंतु बधानो ध्येय तो के मात्र ने मात्र ईश्वर प्राप्तिनुं ज छे एटले के पंथ है निराले मंजिल तो एक है भले अपना रस्ताओ अलग अलग छे परंतु अपनी मंजिल एक ज छे मंजिल एटले आपणुं जे लक्ष्य के ज्यां सुधी आपणे पहोंचवानुं छे ते तो एक ज छे रस्ताओ भले अलग होय तो आ बधा आपणे उदाहरणो जोया के आपणा देशना लोको गम्मे तेटला अलग थईने रहे परंतु छे तो बधा भारत माताना ज संतानो एटले माता माटे छे क्यारे कोई ज वालू दवलू होय शके नहीं अपनी माता ने अपने बे संतानो होय त्रण संतानो होय छता पण क्यारे छे अपना माता पिता अपना प्रत्ये भेदभाव करता नथी के एक बाळक एने खूब वालू होय बीजू एने दवलू होय एवुं क्यारे बनतुं नथी तो अपना देश ने पण अपने मातानो दर्जो आपेलो छे भारत माता कहीए छीए तो भारत माता माटे तेना दरेक संतानो छे समान ज छे अने आपणे भले बधा अपना रस्ताओ अलग अलग होय अपनी रीत अलग होय अपना पोशाको अलग होय परंतु આપણે બધા જ ભારતીયો જ છીએ અને આ ભારતીય હોવાનો ગર્વ દરેક ભારતીયના મનમાં રહેલો છે અને એક મમત્વની લાગણી પણ રહેલી છે કે આ ભારત દેશ મારો છે એટલે જ્યારે દેશનો પ્રશ્ન આવે તો બધા જ એક થઈને હંમેશા રહે છે તો હવે આપણે આ કાવ્યને છે એ ગાવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો હું ફર્સ્ટ ટાઈમ એક લાઈન ગઈશ અને પછી સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે ગાઉં ત્યારે તમે લોકો પણ મારી સાથે રિપીટ કરવાની ટ્રાય કરજો બુકની અંદરથી જોઈને પણ તમે ગાઈ શકો છો તો આપણે એની શરૂઆત કરીએ હિન્દ દેશ કે નિવાસી સભી જન એક હે રંગ રૂપ વેશ ભાષા ચાહે અનેક હે હવે તમે પણ મારી સાથે ગાવાની ટ્રાય કરજો हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है गा रही बुलबुल तराना राग मगर एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है धर्म है अनेक जिनका सार वही है धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है तो अपना गीत द्वारा जोयू के हिंद देश के निवासी सभी जन एक है
रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद हिंद भूमि ना जे हिंद माता ना जे संतानो छे ते बधा ज एक छे, पछी भले तेनो रंग रूप वेश भाषा बधुज अलग होय छता पण ते एक ज छे। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। गुलाब जूही चंपो चमेली ए बधा ज प्यारा प्यारा फूलो छे, ज्यारे माला नी अंदर गूंथाई जाय छे त्यारे ते एक ज थईने रहे छे। कोयल की कूक न्यारी पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल नी कूक पण अलग निराली छे, पपीहानो अवाज पण अलग छे, અને તો બુલબુલ છે એ પણ પોતાની રીતે તરાનો ગાઈ રહી છે, પરંતુ રાગ બધાનો એક જ છે। ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણા કાવેરી, આપણા દેશની જે મુખ્ય નદીઓ છે ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણ કાવેરી, એ બધી જ સાગરમાં જઈ અને મળી જાય છે અને છેલ્લે તો એક બની જાય છે। ધર્મ હે અનેક જિનકા સાર વહી હૈ, ધર્મ હે અનેક જિનકા સાર વહી હૈ, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। भले आपणा बधाना धर्मो अनेक छे, भारतनी अंदर केटला बधा धर्मोने छे पाडवामां आवे छे अने घणा बधा धर्मो आपणे जोईए छे, विविध एमां घणी बधी विविधताओ रहेली छे। धर्मो आपणा अनेक छे अने एनी रीत पण अलग छे, परंतु दरेक धर्मनो सार तो मात्र एक ज छे, मोक्ष प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति। અને પંથ હે નિરાલે એટલે કે આપણા બધાના જે પંથ છે રસ્તાઓ છે અલગ અલગ છે, પરંતુ આપણા બધાની મંજિલ છે એક છે। તો આ રીતે આપણે જોયું કે ભારતમાં વિવિધતામાં એકતા કઈ રીતે રહેલી છે, અને તેના માટે કાવ્યની અંદર આપણને ઘણા એવા સારા ઉદાહરણો પણ આપેલા છે। તો આ ઉદાહરણો ઉપરથી આપણે ખૂબ સારી રીતે સમજી શકીએ કે આપણો દેશ છે એ વિવિધતામાં એકતા માનનારો છે, અને આપણા દેશની અંદર વિવિધતામાં એકતા રહેલી છે, અને વિવિધતામાં એકતા એ આપણા દેશનું એક પ્લસ પોઈન્ટ કહી શકીએ કે જે અન્ય દેશોમાં ક્યાંય જ જોવા મળતું નથી। આપણા ભારત દેશનો ઇતિહાસ પણ ખૂબ જ વિશાળ અને ભવ્ય છે, અને આપણા દેશની સંસ્કૃતિ એ પણ અન્ય દેશો કરતાં ખૂબ જ ચડિયાતી છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ, અને એ એમનો પણ ખૂબ છે એ આપણી સંસ્કૃતિ એ પણ ખૂબ મહાન છે। તો આપણે આપણા દેશનો ભારતીય હોવાનો ગર્વ હોવો જોઈએ, અને જે દરેક ભારતીયોમાં છે, તો એ વસ્તુ માટે હું પણ ખૂબ ગર્વ અનુભવું છું કે હું એક ભારતીય છું। તો આપણા બધા જની અંદર ભારતીય હોવાનો ગર્વ રહેલો હોવો જોઈએ, અને આપણા દેશ પ્રત્યે આપણને માન હોવું જોઈએ। તો આ હતું આપણા હિન્દ દેશ કે નિવાસી કાવ્યની અંદર આપણે જે સમજવાનું હતું એ આપણે સમજ્યું, અને આ કાવ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને તેને ગાવાનો પણ આપણે પ્રયત્ન કર્યો, કે ખૂબ જ સરસ આ હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એક મારું ફેવરિટમાં ફેવરિટ કહી શકું તો આ કાવ્ય છે, કે જે ખૂબ જ સરસ છે, સમજવું પણ ઈઝી છે અને આપણા મનને આનંદ પણ આપે એવું છે, તો જેને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો। તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી તમે લોકો પણ આ કાવ્ય છે એને કંઠસ્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો અને ગાવાનો પણ પ્રયત્ન કરજો। તો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી બધા જ આવજો।